नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना टू चल गन ऑटो। जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे पास आज हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक है दोस्तों। इसमें जो ये बैटरी है ये भी सही है और हैंडल लॉक है फिर भी ये भी सही है। चाबी ऑन करते हैं, ना कोई न्यूट्रल वक्त दिखा रहा है ना पेट्रोल मीटर, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करके दिखा देते हैं कि हमारी बैटरी फुल चार्ज है कि नहीं है, तो मीटर से अभी आपको टेस्ट करके दिखाते हैं दोस्तों। मैं बैटरी को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज डीसी पर सेट करना होता है। अब हमें क्या है, प्लस वाला ये माइनस ये तार यहाँ पर लगा देते हैं बैटरी के प्लस वाले में, और दूसरा वायर ये माइनस वाले पे। दोस्तों देखो मीटर में रीडिंग क्या है, 12.16। इससे पता चलता है हमारी बैटरी है ये फुल चार्ज है, बैटरी हमारी फुल चार्ज है। तो फुल चार्ज होने की वजह से अब हमें चेक करना है यहाँ पे फ्यूज, ये दोनों फ्यूजों को, ये दो फ्यूज लगे होते हैं, इन दोनों को चेक करना है। तो दोस्तों ये फ्यूज है, देख पा रहे हैं ये फ्यूज बिल्कुल सही है, और ये फ्यूज है ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फ्यूज है, दोनों फिर सही फ्यूज हैं। आखिर क्यों नहीं करंट आ रहा है, तो सबसे पहले इन फ्यूजों को लगा देते हैं। ये फ्यूज हमने लगा दिए, अब इधर चलते हैं हैंडल लॉक के पास। दोस्तों हैंडल लॉक की ये सॉकेट है, यहाँ से करते हैं बाहर, ये होगी बाहर। अब इस वाले ये वायर देख रहे हैं रेड कलर का वायर, इससे में हमें चेक करना है कि करंट हमारा बैटरी से हैंडल लॉक तक आ रहा है कि नहीं। दोस्तों मीटर को मीटर सेट करना है 20 वोल्टेज डीसी पर, इस प्रकार से एक वायर को इसमें कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा कहीं पर लेते हैं बॉडी अर्थ। दोस्तों हमने बॉडी अर्थ लिया और मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं दिखा, इसे पता चलता है कि ये जो रेड कलर का ये वायर है इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने अभी चेक किया था करंट को 12 वोल्टेज बोल रहा था, दोबारा से चेक कर लेते हैं। देखो 12 वोल्टेज सही बोल रहा है बैटरी, अब यहाँ से अभी ये अर्थिंग ले रहे हैं तो सही वोल्टेज बोल रहा है। अब यही अर्थिंग हमारी होती है इंजन पर, देखो इंजन पर अर्थिंग ले रहे हैं, कोई वोल्टेज नहीं बोल रहा है। इससे हमें पता चलता है कि ये बैटरी की अर्थिंग लगी हुई है, ये हमारी बॉडी अर्थ है, ये काम नहीं कर पा रही है। आखिर क्यों नहीं काम कर पा रही है, तो सबसे पहले ये जो सेल्फ में ये तार लगा हुआ है ग्रीन कलर का, ये वाला ग्रीन कलर का वायर लगा हुआ है ये वाला, इसे हमें चेक करना है कि ये कहीं से टूटा तो नहीं है या फिर इसमें कार्बन तो नहीं आ गया है। तो उधर चलते हैं लेफ्ट हैंड की साइड और उसे पैनल को खोलेंगे और इसे अभी चेक करेंगे कि ये तार हमारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, हो सकता है टूटा हुआ हो। दोस्तों इधर क्या है, किसी मैकेनिक भाई ने इसका ये सेल्फ का ये तार है यहाँ से बाहर निकाल दिया है, इस वजह से ये गाड़ी है वो अर्थिंग नहीं मान रही है। तो इस सॉकेट को अभी लगाते हैं यहाँ पर। दोस्तों क्या होता है कि अगर यहाँ से ये सॉकेट को बाहर निकाल देते हैं तो हमारी गाड़ी में अर्थिंग नहीं मिलेगी और ना ही पेट्रोल मीटर, ना न्यूट्रल और ना ही हॉर्न, कोई भी हमारा फंक्शन वर्क नहीं करेगा। दोस्तों तो अभी हमने ये अर्थिंग लगा दी है और अभी इधर हैंडल लॉक है वो कर दिया है ऑन, फिर भी हमारी अर्थिंग देखते हैं कि काम कर रही है कि नहीं। तो दोस्तों अर्थिंग को चेक करने के लिए हमें मीटर को कहाँ पर रखना है, बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर रखने की वजह से एक वायर को लेना है इस वाली अर्थिंग वायर पर कनेक्ट करना है, दूसरा लेना है बॉडी अर्थ। देखो बीप का साउंड आ गया, बीप का साउंड बोलने लगा, इससे हमें पता चलता है ये हमारी जो अर्थिंग है वो प्रॉपर तरीके से काम करने लगी। अब इसी को हम आपको उधर चेक कराते हैं कि बैटरी का अब हमारी अर्थिंग है वो काम कर रही है कि नहीं।
दोस्तों एक वायर को यहाँ पर और दूसरा लेते हैं अभी बोर्ड अर्थ। देखो मीटर मीटर में ये रीडिंग रहा जाए वो बोर्ड ले लगा। देखो अब ये क्या है हमारे बैटरी की जो अर्थिंग है वो काम करने लगी। अब हमारा सेल्फ मीटर हॉर्न सब कुछ बोलने लगेगा। तो दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि अर्थिंग का आप वायर अलग कर देते हैं सेल्फ से तो आपकी गाड़ी अर्थिंग नहीं लेगी। ठीक है यही छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। अब ये हैंडल लॉक की सॉकेट जो बाहर निकली थी इसे लगा देते हैं। ये लगा दी प्रॉपर। अब चाबी करते हैं इधर ऑन। देखो चाबी ऑन करनी न्यूट्रल बत्ती आ गई पेट्रोल मीटर बोलने लगा और हॉर्न भी बोलने लगा। ठीक है तो ऐसी गाड़ी अभी आपके गाड़ी आती है कि उसमें अर्थिंग काम नहीं करती हो तो जो सेल्फ वाला वायर है इसे जरूर चेक करें कहीं अलग तो नहीं है या फिर टूटा तो नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।